बेसिकली असली मजा जो है ना ट्रैकिंग का वो मानसून में ही है। आपको हरियाली देखने को मिलती है और अमेजिंग वेदर देखने को मिलता है। लेकिन जो ज्यादा लग्जरी वाले लोग हैं प्लीज सोच के आना। थैंक्स फाउना फॉर शेयरिंग। हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। और आज हम लोग एक बहुत ही फेमस ट्रैक करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता लग ही गया होगा, आज हम वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करने जा रहे हैं। और ये जो ट्रैक है ये मानसून के टाइम में किया जाता है, बिकॉज उस टाइम पे सारे फूल वहाँ पे खिल जाते हैं। और अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग भी दिल्ली से आए हुए हैं, तो दिल्ली से आने के दो तरीके हैं। एक तो है कि वहाँ से 8:30 बजे रात को बस चलती है कर्णप्रयाग आपके लिए, और दूसरा तरीका है कि आप सीधे सीधे चमोली की बस ले लीजिए कोई भी। यार एक कनेक्शन होता है ना, जैसे पहाड़ों से नदियों का, बादलों से बारिश का, बस से रोडों का, ऐसे ही ना यार ट्रैवल का हमारी लाइफ से कनेक्शन होता है। और जब दोनों एक साथ सही टाइम पे मिल जाए तो यार नजारा ही कुछ और होता है। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं गोविंद घाट, और हम लोगों ने बेसिकली दिल्ली से जो स्टार्ट किया था वो 8:30 बजे करीब स्टार्ट किया था, बस हमारी चल गई थी 9 बजे करीब। और हम लोग कर्णप्रयाग पहुंचे थे अराउंड 14 घंटे में, और लकीली वो जो हमारी बस थी वो चमोली तक जा रही थी, तो हमने चमोली तक उस पर कंटिन्यू करा। और चमोली के बाद हमें जोशीमठ के लिए एक दूसरी बस पकड़नी पड़ी, और जोशीमठ पहुंचने के बाद वहाँ से आप लोग शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं और बस के थ्रू भी आ सकते हैं। तो हम लोग हमारे केस में हम लोगों ने शेयर टैक्सी कर ली थी, जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन हमें पड़ा था। गाइस अराउंड 6 बजे करीब हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, और अभी 6:30 करीब हो रहा है। और आज का प्लान ये है कि आज हम लोग फुल टू यहाँ पर रेस्ट मारने वाले हैं, और बिकॉज कल सुबह ट्रैक स्टार्ट करना है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से टैक्सीज चलती हैं जो 4 किलोमीटर तक छोड़ देती हैं, और भी एक अच्छी बात यह है कि वो टैक्सीज जो है सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट करती हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह यहाँ से निकल जाएंगे और 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो टैक्सी के थ्रू कवर करेंगे, और उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और अगर मौका मिला तो हम हेमकूट साहिब भी ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। जिस होटल में मैं रुका हूँ उसकी बालकनी से एक बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है, ये देखिए। दो फ्रेंड्स साथ में आए हुए हैं, एक अमित जो आपने मेरी मैकलोडगंज वाली वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी टाइम से हमने साथ में कोई ट्रिप नहीं किया था, तो हमने सोचा लेट्स प्लान दिस टाइम। और साथ में हमारे खंडूरी जी भी आए हुए हैं। खंडूरी जी कहाँ से, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। तो बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, गुटप्रयाग से। मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 15 आवर्स लग गए थे। हाँ करेक्ट। बट जोशीमठ के बाद जो हमारा गाड़ी का ट्रिप था गोविंद घाट तक, इट वॉज रियली ऑसम। हाँ यार ऑसम तो होना ही था, एक तो मानसून और ऊपर से गढ़वाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। वैसे भी उत्तराखंड का कोई भी रोड ट्रिप हो और औसम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? Hey guys, welcome to the another morning from गोविंद घाट उत्तराखंड। और आज हम लोग यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक पे निकलने वाले हैं। तो गाइस कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है उसे एक्सप्लोर किया। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन सामान काफ़ी अच्छा अच्छा मिल जाता है, और रेस्टोरेंट्स हैं 2-3 काफ़ी अच्छे अच्छे भी हैं। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया और थक गए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ था, और दूसरा हमें जल्दी उठना भी था। अभी नाश्ता कर रहे हैं, और अराउंड कितना बज रहा है टाइम बताइए ज़रा। 6:14 हो चुका है, और हमारा प्लान तो था थोड़ा जल्दी निकलने का, और फिर भी हम लोग टाइम से उठ गए थे, बट समहाउ यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हमने एनी हाउ ठंडे पानी से नहा लिया है। और अभी नाश्ते करके निकल जाए, और जो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे 4:30 बजे से गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं जाने के लिए, और होटल के जस्ट नीचे जो चाय वगैरह की शॉप है वो ओपन हो जाती है, तो लोग भी जाने लग जाते हैं। मैंने खुद वेरीफाई करा सुबह 4:30 बजे करीब उठ के जाके देखा था, तो गाड़ियाँ एक्चुअली में चल रही थी। तो गाइस यहाँ पे पहले अपना नाम लिखाना पड़ता है, यहाँ पे नाम लिखाने के बाद यहाँ सारी टैक्सीज लगी होती हैं, तो ये शेयर टैक्सीज हैं, जब सारी भर जाती है तभी निकलती हैं। ये जिस ब्रिज में मैं खड़ा हूँ ये वही ब्रिज है जो गोविंद घाट और वैली ऑफ फ्लावर्स वाली पहाड़ी को जोड़ता है, और इसी ब्रिज के थ्रू जो टैक्सीज हैं वो 4 किलोमीटर तक छोड़ती है आगे, और यही एक रास्ता है जो ट्रैक के लिए भी जाता है। और इसके जस्ट नीचे जो है अलकनंदा रिवर बह रही है, अपने उफान में बह रही है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे टैक्सी छोड़ती है, और यहाँ से आगे हमें ट्रैक करके जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। इस छोटे से गांव का नाम है पुलना, और यहाँ पे बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप लोग ट्रैकिंग के लिए कुछ सामान वगैरह ले सकते हैं अगर आपको लेना है, और यहाँ से अमेजिंग व्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं।
एक अमेजिंग झरना है जिसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। सारा सामान हम लोग नीचे से कैरी करके रहे हैं बिकॉज नीचे थोड़ा सस्ता सामान मिलता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना सामान महंगा होता रहेगा, ये तो आपको पता ही है। और सो कोशिश करके नीचे से थोड़ा बहुत सामान ले लें ट्रैकिंग के लिए, पानी की बोतलें वगैरह। और अभी हम लोग अपना ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो टाइम है टू बी एग्जैक्ट बज रहा है 7:10 और हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ से अराउंड 3-4 घंटे 6 घंटे वैसे बता रहे हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि 4-5 घंटे में हम लोग यहाँ से पहुँच जाएँ, और ताकि हमें हेमकुंड साहिब के लिए भी कल जाना है। और ये जो यहाँ से घोड़े खच्चर वगैरह भी अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहो तो घोड़े खच्चर भी कर सकते हैं। हम चलते चलते पहुँच गए जंगल चट्टी जो कि अराउंड 2 किलोमीटर है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें वगैरह है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे एक छोटी सी मार्केट, बहुत ही छोटी सी मार्केट जहाँ पे खाने पीने का सामान मिल जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पे नींबू पानी के लिए रुके हुए हैं। सो नींबू पानी बिकॉज ज़रूरी होता है, बहुत सारा स्वेटिंग हो गया है तो हाइड्रेट रहने के लिए एक अच्छी चीज़ है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से फूलों की घाटी अभी 12 किलोमीटर दिखा रहा है। चॉपर चॉपर का क्या रेट है? 2700 रुपये। कितने वेट का? 70 kg। मतलब हमारा 2700 के अंदर ही आएगा, हमारा 60 के अंदर है मेरा वेट तो। सो गाइस ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग पहले यहाँ आ चुके हैं तो एक बार चॉपर से आना बनता है बिकॉज जो व्यू आता है चॉपर से वो अमेजिंग व्यू होता है। और 2700 रुपये यहाँ पे बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं पता बट अनुमानित रूप पे बता रहे हैं कि 2700 रुपये के आसपास यहाँ पे चॉपर से रेट पड़ता है। ओके भैया मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गाइस फाइनली हम लोग एक और हॉल्ट ले रहे हैं। सो अब अराउंड 6 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से, अराउंड 6 किलोमीटर बचा हुआ है। और अच्छी बात यह कि हम लोग टाइम से सुबह निकल गए थे तो अभी हमें धूप नहीं मिली है। और सुबह टाइम से निकलने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो लोग भी कम होते हैं और धूप भी नहीं मिलती है, ट्रैक करने में आसानी होती है, आपकी स्पीड थोड़ी एक्चुअली बढ़ जाती है। और खंडूरी जी आप बताओ कि कैसा लग रहा है आपको ट्रैक, क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए अपने साथ जब ट्रैकिंग करते हैं? ट्रैक में आप खाने पीने का सामान अपने साथ रखिए क्योंकि आगे बहुत कम दुकानें हैं यहाँ पे, बहुत कम मार्केट है, तो जो भी आपके पॉसिबल हो वो चीज़ रखिए। तो है बट सामान महंगा है, सामान महंगा है। और पानी की बोतल आप प्लास्टिक के लिए रखिए अपने साथ, बट पानी की बोतल प्लास्टिक की ना रखें बिकॉज प्लास्टिक अगर रख रहे हैं तो वापस जरूर लेके जाएं, यहाँ कोई भी प्लास्टिक ना छोड़ के जाए। बिल्कुल सफाई का ध्यान। ट्रैक करते हुए एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए बट हाइड्रेट होने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना। चलते हमने 6 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे एक मैगी पॉइंट है, हम लोग मैगी वगैरह खा रहे हैं। अब यहाँ से जो है घंगरिया गांव जो है वो 4 किलोमीटर बचा हुआ है। और अभी जो टाइम है वो अराउंड हो गया है 9:25, तो हम लोगों ने 7 बजे स्टार्ट किया था, सही स्पीड से चल रहे हैं। और आई होप कि हम लोग जल्दी से जल्दी वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँच जाए और उसके बाद टाइम से हम नीचे आ जाएँ। और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए बेसिकली असली मज़ा जो है ना ट्रैकिंग का वो मानसून में ही है, आपको हरियाली देखने को मिलती है और अमेजिंग वेदर देखने को मिलता है। और डाउन साइड ये है कि यार थोड़ा सा रिस्की रहता है और ऑब्वियसली सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सो जब भी मानसून में कोई भी ट्रैक करे अच्छे से पता कर ले कि रोड कंडीशन क्या है, लैंड स्लाइडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई भी मानसून में ट्रैक स्टार्ट करे। कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी आप इस बारे में कुछ अपना थॉट शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करो। सो यहाँ पे हमें भावना जी मिली हैं और इन्होंने कुछ हमें बताया है वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। भावना जी प्लीज। हाय आई एम भावना, आई एम फ्रॉम लुधियाना, मैं पंजाब से हूँ। और हमने हेमकुंड भी किया है, वैली ऑफ फ्लावर भी किया है। सो हेमकुंड थोड़ा टफ है, स्टीप है, और वैली ऑफ फ्लावर इजी है।
अच्छा है, उसमें आपको 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में मैक्सिमम, फिर आप सब लेके चले जिसकी अगर स्पीड अच्छी है, और वहाँ की वैली बहुत खूबसूरत है। सो बेटर है कि मॉर्निंग अगर आप 6 o'clock निकले आपको बहुत टाइम होगा उसको कवर करने में भी ग्लेशियर तक, तो क्योंकि 2 o'clock आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा और आपको 4 o'clock वहाँ पे चेक पोस्ट में आपको अपनी बताना पड़ेगा वापस आए। अगर आपने वहाँ से एक कोई भी फ्लावर्स कोई लीफ मत लेके आना, वो चेकिंग भी कभी कभी करते हैं। फाइन है 10,000। ओके, सो इट्स योर फर्स्ट ट्रैक और आपने पहले भी कोई किए हुए हैं? मैंने बहुत ट्रैक किए। लास्ट ट्रैक कौन सा था आपका? मेरा लास्ट ट्रैक जो था वो था चूथा पिक ट्रैक। अरे नाइस यार, वेरी गुड। सो कैसा लग रहा है फिर यहाँ का ट्रैक? मॉडरेट है, नॉर्मल है, क्या रिकमेंड करेंगे आप? ये है मॉडरेट है और रिकमेंड मैं वैल्यू फॉर मनी करूंगी, लेकिन जो ज्यादा लग्जरी वाले लोग हैं प्लीज सोच के आना, क्योंकि यहाँ आके वो रोते हैं क्योंकि यहाँ अभी भी कोई मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, जस्ट लाइक अ धर्मशाला है सारा स्टे। सो थोड़ा सोच के आना, मेंटली प्रिपेयर होके आना, इजी नहीं है। थैंक्स भावना फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो आज हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है वैली ऑफ फ्लावर का, क्योंकि 10 यहाँ बज गए हैं और 2 बजे के बाद वहाँ पे अलाउ नहीं है ऊपर जाना। हाँ, अभी 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 हमें ऐसा पता लगा है कि 2 बजे के बाद वहाँ पे अलाउ नहीं करते ऊपर वैली ऑफ फ्लावर जाना, तो शायद 10 यहाँ बज चुका है ऑलरेडी और अभी 6 किलोमीटर बचा ना, 4 किलोमीटर बचा हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि 2 बजे से पहले हम पहुँच पाएंगे, पता नहीं, अगर पहुँच गए तो फिर भी वो जाने देंगे या नहीं देंगे। तो जानने के लिए देखिए आगे की वीडियो कि हम लोग आज जाते हैं या नहीं। क्या चल रहा था भाई साहब? बता दे रहे तो बाप रे, ये खंडूरी जी हमारे शेरपा हैं, बिल्कुल आगे लीड लेके चल रहे हैं हमारी, और बिल्कुल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं यार। और यहाँ पे हमें खंडूरी जी पहाड़ में चलने के नियम बताएंगे। खंडूरी जी कृपया करके आइए पहाड़ में चलने के नियम। आप चल रहे हैं वही पहाड़ के नियम है, चलिए आप।